एनसीसी यूनिट को मिले 3 नए घोड़े, कुल संख्या हुई 12। घोड़ों के नामकरण का सिलसिला जारी। मालवा मिरर के लिए आकाश कोहली की रिपोर्ट। एनसीसी की महू के वेटरनरी कॉलेज स्थित बटालियन को हाल ही में 3 नए घोड़े प्राप्त हुए हैं। अब बटालियन के पास कुल 12 घोड़े हो गए हैं, जो आने वाले समय में यहाँ के घुड़सवारों को विभिन्न प्रतियोगिताओं में विजय दिलवाएंगे। महू की 2 MP रिमाउंट एंड वेटरनरी स्क्वाड्रन में नए घोड़ों के आते ही परंपरा अनुसार उनके नामकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। कैडेट से ही उनके नाम सुझाने के लिए कहा गया है और एक बार नाम आ जाए फिर अधिकारी उनके नामों की घोषणा करेंगे। एनसीसी यूनिट की हाल ही में कमान संभालने वाले लेफ्टिनेंट कर्नल संजय यादव ने बताया कि उक्त घोड़े सहारनपुर स्थित रिमाउंट ट्रेनिंग स्कूल से पिछले सप्ताह ही आए हैं और उन्हें अब एनसीसी की जरूरत के अनुसार यहीं पर ट्रेनिंग दी जाएगी। कर्नल यादव ने मालवा मिरर से बातचीत में बताया, ये जो नए घोड़े आए हैं ये 3 रिमाउंट घोड़े हैं जो हमने RTSNT सहारनपुर से कलेक्ट किए हैं और ये 14 अगस्त को कलेक्ट होके आए हैं। ये तीनों जंपर हॉर्सेज हैं और अभी इनका नाम रखना बाकी है। जो घोड़े आते हैं ये बेसिक ट्रेनिंग होके आते हैं। डिपो में क्या होता है कि 6 महीने पे स्टड से जो है डिपो में घोड़े आते हैं और उसके बाद करीब 3 साल बाद इनको ट्रेनिंग में डाला जाता है। इनकी करीब 14 महीने की ट्रेनिंग होती है जिसमें ये डिफरेंट चीज़ें सीखते हैं। जो NCC में आते हैं नॉर्मली उनको शो जंपिंग का ट्रेनिंग दिया जाता है। अब क्योंकि ये हमारी यूनिट में आ गए, इन्हें NCC के हिसाब से, NCC के बच्चों के हिसाब से हम इनको ट्रेनिंग देंगे ताकि NCC के बच्चों को लेके ये डिफरेंट इंटरनेशनल इवेंट्स में पार्टिसिपेट करें कर सकें। खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं।